औखा सौखा वक्त गुजर ही जाता है, दो वेले ता रोटी हर कोई खांदा। एक महात्मा जी निकले सैर नूं, संत जी सी अपने पिंड दे सैर नूं निकले, ते की वेखदे ने एक बंदा, एक शख्स बड़ा ही कमजोर, बहुत बुरी हालत विच। संत जी उहदे कोल चले गए, कहिंदे पुत्तर की गल है, कुछ खांदा पींदा नहीं, इन्ना बीमार पिया है, चक्कर की है? उन्हें अगों हाथ जोड़े, कहिंदा संत जी, महापुरुष जी, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है, पूरी लाइफ निकल गई है, मैं अपनी जिंदगी विच आज तक पेट भर के रोटी नहीं खाई। गरीब सी, कहिंदा मेरी पूरी लाइफ निकल गई है, मैं आज तक अपनी लाइफ के अंदर पेट भर के रोटी नहीं खाई। मैं सुने है संत जी, मंत जी, परमात्मा जी, तुहाडी सीधी गलबात है रब दे नाल, ते मेरी एक अर्जी ला दोगे? वह परमात्मा नूं जाके कहना, मेरे हिस्से की जिन्नी रोटियां ने ना तू मैनू एक बारी दे, ते कटौड़ मेरी तृष्णा ते पूरी होए, ए मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं अपनी पूरी जिंदगी अंदर अज तक पेट भर के रोटी नहीं खाई। वह संत जी नूं उहदे तरस आ जांदा, जांदे ने अपनी पाठ पूजा वल, जांदे ने परमात्मा अगे अरदास करदे ने, हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह। उस बंदे की दिली ख्वाहिश है, उन्हें अपनी पूरी जिंदगी विच रोटी नहीं खाई पेट भर के, कहिंदा कदी एक मिल जाती है, कदी अद्धी मिल जाती है, कदी नहीं मिलती, तो वह कह रहे हैं मेरी हिस्से की जिन्नी रोटियां रह गई ना मैं इको बार दो, मैं खावा और मेरा काम हो जाए। परमात्मा जी अपने सेवादारों को कहते हैं, जाओ जरा हिसाब लगाओ ए कर्मा विच किनिया रोटियां बाकी ने। सेवादार चले जाते हैं, कहते परमात्मा जी ए हिस्से विच सिर्फ 15 रोटियां रह गई ने, और असी उन्हों सैटिंग नाल बनाया हुआ है कि कदों कदों किवें किवें देनी है ताकि इन्हू दिक्कत ना आए। कहते एक काम करो, सिफारिश लगाई है उन्हें सीधी, तो इन्हू यदि 15 रोटियां भिजवा दो। कहते अच्छा जी, जो हुक्म। किसी जरिए नाल उस बंदे को 15 रोटियां भिजवा दीतिया गई। हुण संगत जी, इंसान किन्ना भी भुखा क्यों ना हो, किन्ने दिनों का भी भुखा क्यों ना हो, अगर वो क्षमता 2 रोटी खान दी है या 3 रोटी खान दी है, तो वह ज़्यादा तो ज़्यादा 4 खा लेगा, ज़्यादा तो ज़्यादा 5 खा लेगा। 15 रोटियां वो आई, उन्हें 5 रोटियां खाई, क्योंकि बहुत दिन की तृष्णा से वो कभी पेट भर रोटी खाई नहीं, बाकी रोटियां रह गई 10। रोटी ज़्यादा ज़्यादा सवेर की बनी हुई, शामी कम आ जाएगी, उन्हें जी शामी भी 5 खा लिया, रह गई 5। हुण उन्हें सोचा, अगर यह 5 मैं बचाना वा, अपने लालच विच रखदा वा, तो यह रोटियां खराब हो जाएगी, मैं एक काम करदा, यह किसी अपने वर्गे नूं दे देना, जिदा भी पेट भर जाए उहदी भी तृष्णा पूरी हो जाए। उन्हें जी 5 रोटियां दान विच दे दित्तिया। संगत जी, कुदरत दा नियम है, तुसी सुख वंडोगे तो 10 गुना वधा के मिलेगा, दुख वंडोगे तो भी 10 गुना वधा के मिलेगा। भावें गीता खोलो, कुरान खोलो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किसी नूं भी पढ़ लो, जिहड़ा भी कर्म असीं करांगे उहदा 10 गुना सानूं वधा के मिलेगा। उन्हें जिहड़ियां 5 रोटियां दित्तियां सी दान विच, उहदा 10 गुना लाइए ते 50 रोटियां उहदे हिस्से लिखी गईआं। अगले दिन उहदे कोल 50 रोटियां, हुण 50 विचों भी किन्नियां खा लेगा? फिर उहने अपनी 2-4 खाधियां, बाकी उन्हें फिर दान विच दे दित्तियां। उस तो बाद फिर उन्हें हुण जिहड़ी 40-45 रोटियां दान कीतियां सी, हुण 400-500 बन के आईआं, उन्हें फिर अपनी 4-5 खाधियां, बाकी फिर दान भी दे दिया। करते 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 संगत जी उत्थे लंगर चल पे। हुण उहो संत मंत जी जिन्हां ने उहदी सिफारिश लगाई सी, एक दिन उत्थों निकल रहे सी ते की वेख्या कि कल तक तो यह भुखा मर रहा सी, ते अज इहदे दर ते लंगर चल रहा। वह चला गया परमात्मा कोल, कहिंदे परमात्मा जी तुसीं भी झूठ बोलन लग गए हो, तुसीं ते कहा सी 15 रोटियां ने उहदे हिस्से। वह कहिंदे ने, ओए सेवक, ओए भगता, मैं अपने वचना अगे मजबूर हाँ, इस गल विच कोई शक नहीं है कि हर इंसान जब तुरो आंदा है तो अपना लिखवा के आंदा है, पर कहा जाता है कि कर्म प्रधान होंदे ने, अपने लेखा नूं असीं अपने कर्मां नाल भी बदल सकते हैं। तो परमात्मा जी ने हुक्म दिता कि अच्छा जी, लंगर चल रहे ने, तो अपना सेवादारों नूं बोलिया, जा जरा देख के आ, इहदे विच घमंड नहीं आ गया? इन्ने अजकल लंगर चल रहे ने इहदे दर ते, घमंड नहीं आ गया? जाओ जरा देख के आओ। सेवादार गया, हुण उस सेवादार ने की किया जी, जिहड़ी पंगत विच लंगर चल रहा सी,
चुपचाप जाके उत्थे बैठ गया। उहदे अगे भी थाली लग गई, पंगत सज गई। हुण जिहदे दर ते लंगर लग्गिया सी उही जिहड़ा किसी टाइम भुखा मरन वाला सी उह लंगर वरतांदा होया आ रहा। सेवादार ने की देखिया कि यह लंगर दे वरतांदा आ रहा है पर किसी की शकल वाल नहीं वेख रहा, सिर्फ थाली वाल देख रहा है और लंगर वरता रहा। करदे 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 जिवें सेवादार को आया उन्हें अपना लंगर पाया तो सेवादार ने फड़ लिया, कहिंदा बाबे हो नीचे ही वेखी जाओगे कि उपर भी देखोगे? तो अगो जिहड़ा लंगर वरता रहा सी उन्हें कहा बाबे हो अगर मैं उपर देखांगा ना तो मेरी नीयत विच खोट आ जाएगा कि एदी शकल सोहनी है, इहनू दो करछी फालतू पानी है, एदी शकल माड़ी है, इहनू अद्धी करछी पा के वापसी लै लेना और यह मेरे परमात्मा नूं मंजूर नहीं होएगा। औखा सौखा वक्त गुजर ही जांदा है, दो वेले तां रोटी हर कोई खांदा है, अर्ज करी के बिल्कुल फटी पोछी ना